रूस यूक्रेन युद्ध की जंग और खतरनाक हो गई है। इस युद्ध से यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस के साथ दो साल से भी ज्यादा समय से जंग लड़ रहे यूक्रेन के हजारों सैनिक रणभूमि में मारे जा चुके हैं। ऐसे में हथियारों के साथ साथ अब यूक्रेन में सैनिकों की भी कमी हो गई है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अनिवार्य सैन्य सेवा को और कठोर बनाने पर मजबूर हो गए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना को 5 लाख अतिरिक्त लोगों की जरूरत है। लिहाजा अपने मिशन में जुटे जेलेंस्की ने हाल ही में यूक्रेनी संसद से अनिवार्य भर्ती से जुड़ा बिल भी पास करवा लिया है। दावा किया जा रहा है कि नए कानून के मसौदे पर यूक्रेनियों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। नए नियम के तहत यूक्रेन में सैन्य भर्ती की उम्र 27 से घटाकर 25 कर दी गई है। इस बीच यूक्रेन बॉर्डर सर्विस के प्रवक्ता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एंड्री डेमचेंको ने बताया कि साल 2022 में यूक्रेन के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से सैन्य सेवा से बचने के लिए अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश करते समय करीब 30 यूक्रेनी पुरुषों की मौत हो गई है। पैदल जंगल के रास्ते सीमा पार करने की कोशिश करते समय इन लोगों की मौत हुई। जो लोग अवैध रूप से देश छोड़ने का प्रयास करते हैं वे शायद ही कभी अपने दम पर ऐसा करते हों। अक्सर आपराधिक संगठनों की सेवाओं के जरिए ही अंजाम तक पहुंचाते हैं। यूक्रेन बॉर्डर सर्विस के प्रवक्ता ने आगे बताया कि यूक्रेनी अधिकारियों ने करीब 450 आपराधिक समूहों का पर्दाफाश किया है जिन्होंने फरवरी 2022 से लोगों को सीमा पार से तस्करी कराने की कोशिश की है। देश से भागने की कोशिशें हर दिन होती रहती हैं और ज्यादातर मोल्दोवा और रोमानिया के बॉर्डर पर दर्ज की जाती हैं। हर दिन हम लगभग 120 लोगों को सीमा पार करने से मना करते हैं। पिछले साल से अवैध बॉर्डर पार करने की कोशिशों की संख्या में कमी नहीं आई है। दिसंबर 2023 में करीब 11,000 लोगों को देश से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। यूक्रेन बॉर्डर सर्विस के प्रवक्ता ने आगे बताया कि यूक्रेन छोड़कर अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने की कोशिश करने वाले पुरुष महिलाओं के भेष में बक्सों में और कारों के स्टेपनी टायर की जगह छिपकर भाग खड़े होते हैं। बता दें कि सिर्फ कुछ स्थितियों को छोड़ दिया जाए तो भर्ती होने के योग्य 18 से 60 साल के बीच के पुरुषों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। बीबीसी के मुताबिक फरवरी 2022 से सितंबर 2023 तक करीब 20,000 पुरुष सैन्य भर्ती से बचने के लिए यूक्रेन से भाग गए। वहीं ऑस्ट्रियाई समाचार आउटलेट एक्सप्रेस ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक ये संख्या 6.5 लाख तक हो सकती है।